तो दोस्तों आ गए एक और नया वीडियो लेकर आप सभी के लिए। यहाँ पास ये जो इंडिकेटर है आपको लग रहा होगा कि ये लक्स एल्गो की टाइप ही दिख रहा है, सॉरी। तो दोस्तों आ गए एक और नया वीडियो लेकर आप सभी के लिए। लक्स एल्गो सीरीज के लिए एक अलग वीडियो होने वाला है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये जो इंडिकेटर है ना आपको एक बोलिंजर बैंड की तरह ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये है लक्स एल्गो की तरफ से आने वाला नारिया वाटसन, ठीक है। ये वाला जो इंडिकेटर है अगर आप इसे डायरेक्टली सर्च करते हैं इंडिकेटर सेक्शन में जाकर तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये वाला जो इंडिकेटर है, ठीक है। काफ़ी सारे यूजर्स हैं इसके, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ऑलरेडी इस इंडिकेटर को, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए ये जो इंडिकेटर है ना आपको ना एज इट इज़ बोलिंजर बैंड की तरह दिखाई दे रहा है, देखो ऑलमोस्ट। इसको मैं क्लोज करता हूँ तो ये भी आपको वही बताता है, ठीक है। इसमें इनपुट में चेंजेस करेंगे तो आपको एज इट इज़ वैसे देखने को मिल जाएगा, लेकिन काम देखिए उसका। देखिए मार्केट ना इस जो इसका जो लास्ट लाइन दिख रहा है डॉटेड में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। जब मार्केट इस लास्ट डॉटेड लाइन को जब जब टच करते फिर आसपास यहाँ पास जो कुछ कीज यहाँ पास अपना जो पैटर्न बनाता है कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है वहाँ पे आने के बाद में मार्केट एक मूवमेंट देखने को मिलता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। पहली बात तो इसका मैंने जो डिफॉल्ट था से हायर लो रखा है, क्लोजिंग में आपको देखने को मिलेगा। इनपुट को देख लीजिए मैंने क्या चेंजेस किए हैं, 4 है या 3 है, ये है 500 में है विंडो साइज जो है। तो यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिए, देखो मार्केट यहाँ पे आके एक मूवमेंट दिया, ठीक है। ऑलरेडी अप में था, काफ़ी ज़्यादा अप जा चुका था, मार्केट आया डबल टॉप बनाया कंटिन्यू आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर इस कैंडल में भी अपन एंट्री लेते हैं नेक्स्ट कैंडल में तो आपको अपने को नेक्स्ट सपोर्ट जोन तक काफ़ी अच्छा यहाँ पर मतलब इस सपोर्ट जोन तक अपने को फायदा देखने को मिलता, ठीक है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड देखने को मिलता। या फिर उसके बाद मार्केट एक रेंज में ही आपको देखने को मिला, उसके बाद उस रेंज को ब्रेक दिया कंटिन्यू फिर डाउन ट्रेंड दिया और इस जोन के पास में आकर मार्केट ने एक फिर से एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, देख सकते हैं इस जोन के पास में। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में आते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा डोजी यहाँ पे, और उसके बाद देखिए मार्केट आपको अपट्रेंड देखने को मिला। तो यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है एक मूवमेंट एक रेंज में अगर मार्केट घूमता बोलते ना तो इस रेंज के हिसाब से, ठीक है, इस रेंज में मार्केट अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो अप में ही जाएगा। देखो एग्जांपल के लिए मार्केट इस रेंज में आकर काफ़ी ज़्यादा मार्केट ब्रेक दिया हुआ था। चलो यहाँ पास चलते हैं फॉरेक्स में, फॉरेक्स में क्या है थोड़ा ना ज़्यादा अपने को अच्छे देखने मिले क्योंकि यहाँ पास इसका जो लेवल्स है तो काफ़ी बढ़िया रहता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब देखो इस रेंज में मार्केट काफ़ी टाइम तक था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं तो आपको डबल बॉटम देखने को मिल जाएगा इसी जोन के पास में। देखो यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा है, ऑलमोस्ट डबल बॉटम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर फिर रेंज में मार्केट था, इस रेंज को ब्रेक दिया मार्केट अप ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन अगर अपन इस रिबन लाइन को देखते हैं तो देखो मार्केट इस स्ट्रक्चर के पास में आकर वापस से डाउन ट्रेंड दिखा रहा है क्योंकि मार्केट इस इंडिकेटर हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अप में था, वैसे यहाँ पर मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन में था, इस रिबन को ब्रेक दे चुका था और उसके बाद में वापस से आपको अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो ऐसे ही ये जो इंडिकेटर है सिग्नल देता है, अगर आप एक बिगिनर हो तो थोड़ा ध्यान में रख करके यूज़ करना। एग्जाम्पल के देख सकते हैं मार्केट ने इस रिबन को ब्रेक दिया कंटिन्यू, यहाँ पर डॉटेड दिखाई रेड डॉट, यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, हालांकि वी शेप में देखने को मिला है लेकिन देखने को मिला है। इस इंडिकेटर के जरिए हमें पहले ही यहाँ पर जो है ये बता देता है, सिग्नल दे देता है। तो ऐसे ही एक बार इसका बैक प्रैक्टिस करना उसके बाद यूज़ करना तो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। फिलहाल के इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम। लाना कैसे है डायरेक्टली इसको सर्च करो इंडिकेटर सेक्शन में जाकर के और देखने को मिल जाएगा ये जो इंडिकेटर है वो।